खबरों के सब तो वड्डी खबर यही है कि पंजाब दे विच कणक की खरीद मुड़ शुरू हो गई है। केंद्रीय खुराक मंत्रालय दीआं पंज टीमां कणक की गुणवत्ता मुड़ तो घोखण दे लई कल बाद दुपहर ही पंजाब पहुँच गई। इन्हां विचों एक टीम ने कल ही जिला मुकसर तो कणक के नमूने लैण की शुरुआत कर दिती। अज इन्हां केंद्रीय टीमां दे वल्लों सारे पंजाब दीआं मंडियां दा दौरा करके फसल का जायजा लिया जाएगा। पंजां दे विचों चार टीमां कल देर शाम नूं पहुंचियां, इस करके नमूने लैण दा काम इन्हां वल्लों कल तो शुरू नहीं हो सकिया। ते केंद्रीय टीमां दे आउण नाल ही पंजाब दे विच कणक दी खरीद दा काम मुड़ तेजी नाल शुरू होण दी उम्मीद है। पंजाब दीआं खरीद एजेंसियां दे मुलाजमां दी तालमेल कमेटी ने खुराक ते सिविल सप्लाई पंजाब विभाग सकत्तर दे वल्लों दित्ते भरोसे तों बाद कणक दी खरीद दा काम कई थावां ते मुड़ शुरू कर वी दित्ता है। सारियां खरीद एजेंसियां ने पहलां कणक की खरीद के बाइकॉट का ऐलान कर दिता सी, पर देर शाम तक उस बाइकॉट नूं खत्म करन दा ऐलान कर दिता गया सी, जिस तों बाद कणक की खरीद पंजाब दे विच मुड़ शुरू हो चुकी है। ऐतकी मार्च महीने पई गर्मी ने कणक की फसल नूं पूरी ढा लाई है। एकदम वधे तापमान ने कणक के दाने नूं पिचका दिता, कणक के दाने सुंगड़ गए ते कह सकदे आ कि जिहड़ा झाड़ 25% होना सी ओह घट के 14% तक रह गया। भारतीय खुराक निगम यानी कि FCI ने जदों सीधी डिलीवरी लैण तो इनकार कर दिता तां खरीद एजेंसियां दे मुलाजमां दे विच वी तौखले खड़े हो गए ते फिर उन्होंने हड़ताल कर दिती, क्योंकि FCI दी मुढ़ली पड़ताल दे विच कणक दे दाने 8-20% तक सुंगड़े हुए पाए गए, जबकि केंद्रीय मापदंडां दे मुताबिक यह 6% तक ही हुंदा, यानी कि 6% तक जे दाणा सुंगड़ जाए तो खरीद हो जाती है। तो हुण पंजाब पहुंचियां पंज केंद्रीय टीमां दे वल्लों फरीदकोट, फिरोजपुर, जलंधर, पटियाला ते रोपड़ डिवीजनां दे विच पैंदे खरीद केंद्रां दा दौरा किया जाएगा। तो पंजाब दे विच हुण किसानां दी टेक केंद्रीय टीमां ते टिक गई है, जिन्हां दी रिपोर्ट दे आधार ते ही केंद्र सरकार राहत बारे फैसला लवेगी। कल पंजाब सरकार ने भी केंद्रीय एजेंसियां दे मुलाजमां दे नाल अधिकारियां दे नाल बैठक की, जिस तों बाद केंद्र सरकार नूं अपील की गई कि मुड़ तों अनाज का जायजा लिया जाए। उस तों बाद केंद्र सरकार ने अपील नूं मानदे हुए इन्हां टीमां नूं भेजण दा फैसला लिया। इस बारे मंत्री लाल चंद कटारू चक ने जानकारी दित्ती। पंजाब दे ज़्यादा हिस्सों के अंदर जिहड़ा साडा कणक का उत्ते असर पिया ड्यू टू गर्मी का सीजन जल्दी आने करके थोड़ा ज़्यादा आ, सो इस करके असी ये संदर्भ के केंद्र की जिहड़ी साडे सैकटरी ने कैबिनेट के खेतीबाड़ी विभाग के डिपार्टमेंट वालों उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने साड़ी नैगोशिएट हुई है। सो असी उन्होंने बेनती की है सानू ये कोई रिलैक्सेशन दिओ और ता जो पंजाब के अंदर जिहड़ा कि संकट माड़ा मोटा दिसदा आ इनू आपां साफ कर सकीए। सो चंगी गल ये आ कि केंद्र ने साडी उस भावना नू कंसीडर करदे आ पांच टीमां जिहड़ियां ने उह अज पंजाब दे वख-वख जिलिआं 'च जा रहीआं ने, घट्टो घट 6-7 जिलिआं दे अंदर ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ।